हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 11 मई 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका रूस। तो रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिखाइल मिशुस्टिन। आपको याद रखना है कि इससे पहले भी मिखाइल मिशुस्टिन ही रूस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब उनकी फिर से नियुक्ति कर दी गई है। नियुक्ति किसने की है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, क्योंकि रूस में राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की। आपको याद रखना है कि जो मिखाइल मिशुस्टिन है वो रूस के कानून के मुताबिक 16 जनवरी 2020 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो वित्तीय विभाग में भी काम कर चुके हैं। आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन रूस के पांचवी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात आई है रूस की, तो रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, कुछ जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, और यहाँ की करेंसी को रूबल कहा जाता है, और यहाँ की जो संसद है उसे ड्यूमा कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप रूस की लोकेशन देख सकते हैं। एरिया की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो इंद्रमीत गिल की बात करें तो ये मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं विश्व बैंक में, और वेनेसा नकाटे ये सद्भावना राजदूत बनी है यूनिसेफ के, और ब्रजेंद्र नवनीत WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। इनकी कुछ समय पहले नियुक्ति की गई थी। अगर हम बात करें शेख तलाल फहद अल सबा की, तो ये एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। डिल्मा रूसेफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डिल्मा रूसेफ, तो ये ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष बनी है। रूबेन अजार की बात करें तो भारत में इसराइल के राजदूत बने हैं, और सुक्सेस मसरा चार्ड के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो अरिंदम बागची हैं ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, और मुख्तार वाबाएव ये COP29 के अध्यक्ष बने हैं, और सेंथिन पांडियन ये WTO में भारत के राजदूत बने हैं। तो ये सभी इंटरनेशनल नियुक्तियां काफी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उससे ऐड हो जाना है। तो PDF और जो भी और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ईबुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली कोर्स ये सभी मिल जाएगा। अप्रैल 2024 के करेंट अफेयर्स की ईबुक मिल जाएगी आपको वहां पर। इसके अलावा मंथली और ईयरली करेंट अफेयर्स और 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ईबुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जो शक्ति अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। तो 2024 में इसका आयोजन भारत में किया जाना है। तो भारत के किस राज्य में इसका आयोजन किया जाना है? आपको याद रखना है इसका आयोजन मेघालय राज्य में किया जाना है। दोस्तों अब सवाल आता है कि ये जो अभ्यास है यानी शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 13 से 26 मई 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा, और इसका आयोजन मेघालय की उमरोई में किया जाएगा। दोस्तों 2024 में इस अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, यानी अभी तक इस अभ्यास के 7 संस्करण आयोजित किए गए हैं। और ये भी याद रखना है कि ये जो शक्ति अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में, और इसका जो 6वां संस्करण था ये 15 से 26 नवंबर 2021 को फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो ये सभी बेसिक जानकारी है शक्ति अभ्यास के बारे में। भारत और फ्रांस के बीच कुछ और अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जैसे वरुण और गरुण अभ्यास। तो वरुण और गरुण दोनों अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं। फ्रांस की बात आई है तो इसकी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन।
और प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल जो है ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के। करेंसी क्या है? यूरो। दोस्तों चलिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संयुक्त सुरक्षा अभ्यास भारत और इसराइल के बीच अभी हाल ही में किया गया है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच हुआ है और ये पंजाब में हुआ है। और IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ है। आपको याद रखना है कि जो IMT है, IMT का मतलब है, आई का मतलब हो गया इंडिया, एम का मतलब हो गया मोजाम्बिक और टी का मतलब हो जाएगा तंजानिया। तो IMT अभ्यास इन तीन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। टाइगर ट्राइम्फ 24 अभ्यास भारत अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। और लामेतीय अभ्यास भारत सेसेल्स के बीच और सी डिफेंडर्स अभ्यास भारत अमेरिका के बीच, समुद्र लक्ष्मण भारत मलेशिया के बीच और पांचवा धर्म गार्जियन अभ्यास 2024 में भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि शांति प्रयास 4 अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जो कि नेपाल में आयोजित किया गया है, तो इसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था। सदा तनसीक अभ्यास 2024 भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया है। और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और UAE के बीच आयोजित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? तो हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। दोस्तों अब सवाल आता है कि ये दिवस 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में सफल परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, और इस प्रकार से भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठवां देश बना था। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 11 मई के दिन ही भारत में स्वदेश में निर्मित हंस 3 एयरक्राफ्ट और शॉर्ट रेंज मिसाइल त्रिशूल का भी सफल परीक्षण किया गया था। तो इन सभी उपलब्धियों को याद रखने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 11 मई 1999 को मनाया गया। दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, लेकिन 1998 में जो परीक्षण हुआ था यह एक सफल परीक्षण था। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों 11 मई 2024 को एक खास दिन मनाया जा रहा है, वो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो हर साल यह दिवस 11 मई को नहीं मनाया जाता है, बल्कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार 11 मई को मई का दूसरा शनिवार पड़ रहा है, इसलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई को मनाया जा रहा है। अब अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को भी यह दिवस मनाया जाएगा। तो इस साल 11 मई और 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाएगा, इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों की जो सुरक्षा है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं कि जब जलवायु में परिवर्तन होता है, मौसम चेंज होता है, तो जो पक्षी हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उन्हीं पक्षियों को हम प्रवासी पक्षी बोलते हैं। आपको याद रखना है कि 11 मई 2024 को जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है पक्षी और कीड़े उड़ान में भागीदार, यानी वर्ड्स एंड इंसेक्ट पार्टनर्स इन फ्लाइट। तो ये थीम आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों 10 मई को एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस। तो ये आर्गानिया दिवस क्या है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस दिवस की घोषणा कब हुई थी। तो 2021 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। और जो आर्गन नाम का पेड़ होता है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये आर्गन नाम का पेड़ पाया जाता है जो कि औषधीय रूप से काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 10 मई को। दोस्तों 10 मई को एक और इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है और वो है विश्व ल्यूपस दिवस। ये ल्यूपस क्या है? तो यह एक प्रकार की बीमारी है। तो इस बीमारी में होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। बाकी इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? तो बीमारियों से बचाने का इसका काम होता है, लेकिन जब ये ल्यूपस बीमारी हो जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, और इसके कारण जोड़ों, मांसपेशियों, त्वचा और
शरीर में कई अंगों में सूजन और दर्द हो जाती है, तो इस बीमारी को हम ल्यूपस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन ने, यानी यूरोपीय संघ ने। तो दोस्तों महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून यूरोपीय संघ के द्वारा अभी हाल ही में अपनाया गया है, और यह कानून यूरोपीय संघ के देशों के द्वारा पारित किया गया है, यानी यूरोपीय संघ में जो 27 देश शामिल हैं इन सभी देशों ने मिलकर के इस कानून को पारित किया है। अब यह कानून 27 देशों पर लागू हो जाएगा, तो 27 देशों में जो यूरोपीय यूनियन के पार्ट हैं उनमें अगर महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा होती है या जबरन विवाह होता है या महिला जननांग विकृति और ऑनलाइन उत्पीड़न किया जाता है तो उससे बचाव किया जाएगा इस कानून के द्वारा। दोस्तों अगर महिलाओं के खिलाफ ये अपराध सिद्ध हो जाता है, यानी अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार का अपराध करता है तो उसे 1 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है। नियमों के तहत अगर पीड़ित बच्चा पति पत्नी है तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। तो ये प्रावधान किए गए हैं यूरोपीय यूनियन के इस कानून में। बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोपीय यूनियन का मतलब है यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का एक समूह, और यह एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कानूनों से संबंधित हैं। तो अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन और भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता हुआ है, यानी कि यूरोपीय यूनियन और भारत दोनों मिलकर के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनकी जो बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो काम करेंगे। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इराक में समलैंगिक संबंधों पर कठोर कानून बनाया गया है, और इसमें 15 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है, यानी अगर कोई व्यक्ति समलैंगिक संबंध बनाता है इराक में तो उसको 15 साल तक की सजा हो सकती है। ब्रिटेन में अभी हाल ही में तंबाकू और वेप्स विधेयक पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? आंसर हो जाएगा भावी मेहता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं भावी मेहता, तो उनके द्वारा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता गया है। आपको याद रखना है कि जो भावी मेहता है उनके द्वारा प्रदीप सेबेस्टियन की जो बुक है द बुक ब्यूटीफुल उसका कवर डिजाइन किया गया है, तो उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आप उस पुस्तक के कवर को देख सकते हैं, तो यह कवर उनके द्वारा ही डिजाइन किया गया है, तो इसलिए उन्हें ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इस पुरस्कार में 1,00,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई है। दोस्तों इस पुरस्कार को देने का मतलब ये है, उद्देश्य ये है कि जो भारत में कलाकार हैं, डिजाइनर हैं, प्रकाशक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। जैसे पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया है। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार दिया गया है। ग्रीष्मा कुठार और रीतिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन को अभी हाल ही में वीटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। पंडित राजेंद्र गंगानी को लच्छू महाराज पुरस्कार दिया गया है, और आपको याद रखना है कि लच्छू महाराज पुरस्कार नृत्य के क्षेत्र में दिया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, रतन टाटा को KISS मानवतावादी सम्मान 2021, और पाबू लुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार और जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से अपना नया अनुसंधान स्टेशन डेवलप करेगा? आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत अपना एक नया अनुसंधान स्टेशन डेवलप करने वाला है, और इस स्टेशन का नाम है मैत्री 2। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों इसकी घोषणा कहाँ की जाएगी? तो जो कोची में आयोजित होनी है अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक, तो उस बैठक में ये घोषणा की जाएगी कि भारत
अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान स्टेशन बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, मैत्री 2 होगा। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 अनुसंधान केंद्र हैं जिसमें मैत्री है और भारती है, तो ये दोनों संचालित किए जा रहे हैं। इससे पहले 1983 में भारत के द्वारा अंटार्कटिका में एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, लेकिन अब ये बर्फ में डूब गया है और वर्तमान में मैत्री और भारती 2 अनुसंधान केंद्र संचालित हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। आपको याद रखना है कि 20 से 30 मई 2024 तक कोची केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक आयोजित की जानी है। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप के उपयोग को लेकर के एक संधि की गई थी जिसे अंटार्कटिक संधि बोलते हैं, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप का किस प्रकार से यूज किया जाएगा देशों के द्वारा, तो उसको लेकर के कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे अंटार्कटिक संधि बोलते हैं। तो ये 1959 में हुई थी और जब ये संधि हुई थी तब इसमें 12 देश शामिल थे और अंटार्कटिक संधि 1961 में लागू हुई थी। आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसमें 56 देश शामिल हैं और भारत 1983 में अंटार्कटिक संधि में शामिल हुआ था, यानी उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे। बात करते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप की। तो देखिए दोस्तों, ये आपको पूरे विश्व के महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका देख सकते हैं। और जब हम साउथ की तरफ आते हैं तो आपको एक बड़ा सा महाद्वीप दिखाई देता है, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। चलिए दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, यानी कि यह पृथ्वी के सबसे दक्षिण में स्थित है और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो इसी में स्थित है और यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। तो ये दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है कौन, अंटार्कटिका महाद्वीप। और यह पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका जो 98% भाग है वो बर्फ से ढका हुआ है। कि पृथ्वी का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका महाद्वीप में ही मापा गया है। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो माउंट विंसन मैसिफ है ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है, दीक्षा डागर। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारतीय गोल्फर हैं दीक्षा डागर, तो वो लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। वर्तमान में अगर हम उनकी रैंकिंग की बात करें तो दीक्षा डागर की जो रैंक है वो है दुनिया में 147वीं। और आदिति अशोक भी भारतीय महिला गोल्फर हैं, उनकी रैंकिंग कितनी है पूरे विश्व में, तो वो है 53। आपको याद रखना है कि दीक्षा डागर को 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दीक्षा ने 2 लेडीज यूरोपियन टूर जीते हैं, इनमें दक्षिण अफ्रीकी महिला ओपन 2019 इनके द्वारा जीता गया था और चेक लेडीज ओपन 2023 भी इनके द्वारा जीता गया था। तो ये 2 खिताब इनके द्वारा जीते गए हैं। चलिए कुछ चर्चित महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीति रजक का नाम आपने सुना होगा, ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। रितु बहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक हैं। मनीषा पाड़े की बात करें तो ये भारत की पहली महिला ADC हैं। और कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। कैप्टन गीतिका कोल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं। प्रमिला मलिक का नाम आपने सुना होगा, ये ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दीपिका मिश्रा कौन है, तो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। तो ये सभी महिलाएं आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है, आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के भारत में राजदूत हैं हिरोशी सुजुकी, तो उनके द्वारा और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, इनके द्वारा कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में किया गया है। इसके अलावा कोहिमा में एक इको पार्क की आधारशिला भी रखी गई है। तो ये दोनों काम अभी हाल ही में नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में किए गए हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क है ये नागालैंड की सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें
जापान की सरकार भी सहयोग कर रही है। अब दोस्तों, ये जो कोहिमा शांति स्मारक बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है या किसकी याद में बनाया गया है, तो 1944 में जो कोहिमा की लड़ाई हुई थी और जो इम्फाल की लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई को याद करने के लिए ही यह कोहिमा शांति स्मारक बनाया गया है। जापान के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा, मुद्रा है जापानी एन, और आपको याद रखना है कि सेमन साई त्योहार अभी हाल ही में कुछ समय पहले जापान में मनाया गया है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है, और जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पांचवा देश अभी हाल ही में बना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संजय भल्ला। तो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल बने हैं संजय भल्ला, तो इनकी नियुक्ति को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, संजय भल्ला को विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1 मई 2024 को वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बने हैं, ये आपको याद रखना है। और 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के चीफ कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और वाइस चीफ हैं कृष्णा स्वामीनाथन। इंडियन नेवी के बारे में आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हुई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को नहीं हुई थी, इसका पुनर्गठन, जब भारत के हाथों में सेना आ गई तो इसका पुनर्गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बाकी इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। और इसका काम है भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। इसका आदर्श वाक्य समनोवर्ण, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए कुछ रक्षा बलों के प्रमुख डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रमुख कमांडर कौन है भारत की सेनाओं के? वो हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। CDS हैं अनिल चौहान। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। थल सेना उपाध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। वायुसेना उपाध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। और भारतीय तटरक्षक के DG कौन है? राकेश पाल। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, मिस टीन USA 2023 कौन थी जिन्होंने अपना खिताब छोड़ दिया है? आंसर हो जाएगा उमा सोफिया। तो दोस्तों, मिस टीन USA 2023 बनी थी उमा सोफिया, तो उन्होंने अपना खिताब यानी अपना ताज लौटा दिया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि उमा सोफिया के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है और उस किताब का नाम है द व्हाइट जगुआर। दोस्तों, उमा सोफिया से पहले 6 मई 2024 को मिस USA 2023 जिनका नाम है नो एलिया बो इगट, तो इन्होंने भी अपना ताज वापस किया था। तो नो एलिया ने मानसिक स्वास्थ्य को तवज्जो देने के लिए ये कहा था कि उनके द्वारा ये खिताब लौटाया जा रहा है। चलिए कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एलेजांड्रा मारिया रोड्रिग्स अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स बनी है 2024 की, और ये 60 साल में बनी है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्रिस्टीना पिस्कोवा ये चेक रिपब्लिक की हैं और ये मिस वर्ल्ड 2023 बनी है। मिस अर्थ इंडिया 2023 की बात करें तो ये खिताब प्रियंस सेन ने जीता था जो कि राजस्थान की थी। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है? मेडिसन मार्स ने, जो कि अमेरिकी वायुसेना की अधिकारी भी हैं। यहाँ पर आप मेडिसन मार्स को देख सकते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी थी? सेनेस पलासियोस, जो कि निकारागुआ देश की थी। और मिस इंडिया 2023 कौन है? नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान की है। तो ये सभी जानकारी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? भारत। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में मुंबई की रैंक क्या है? 24। भारत ने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? 43। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार $100 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। HDFC लाइफ के चेयरमैन कौन बने हैं? KK मिस्त्री। संगीत सिवान का निधन हो गया है, वह कौन थे? फिल्म निर्देशक। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता चिरंजीवी और वैजंती माला को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? पद्म विभूषण से। लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया है?
आंसर हो जाएगा गूगल। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज में हम 16 महाजनपदों की राजधानियां डिस्कस करेंगे, जैसे अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजगृह, काशी की बनारस और कौशल की श्रावस्ती, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर, चेदी की सोथीबती, वत्स की कौसाम्बी। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बांग्लादेश बताया हुआ है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बताना है दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।